करती हूँ, आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं थोड़ा सा गैप ले आई थी वीडियोस में, एक तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके बाद बच्चे बीमार हो गए उसके बाद मेरी मदर इन लॉ भी बीमार हो गई। मतलब स्टेप बाय स्टेप सारे सब दुआ किया करेंगे, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे हम सबको और आप लोगों को भी। अच्छा जनाब, तो कल हम लोगों ने जाना है अर्ली मॉर्निंग अपने गांव विलेज, जहाँ पे अब्बा जी, जहाँ अब्बा जी ने कुछ छोटा मोटा सेटअप किया हुआ है, तो हम सब लोग इंशाल्लाह ताला वहाँ जाएंगे। तो हम आपको अपने साथ रखेंगे कि हम लोग क्या किया वहाँ। मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी जहाँ मेरा बचपन गुजरा। जी बाबा जी, जी मामा, जी मामा, जी मामा, इधर देखो बड़े बालों वाली लड़की। गाइस, कल हम जा रहे हैं बुलाने अपने न्यू हाउस में, जो हमारे दादाजी ने बनाया है। दादाजी ने नहीं, नाना वो मेरा बचपन का है, तो उसकी दावत भी है। वहाँ पे हम लोग बैल, अब्बा जी वहाँ पे ज़िबा कर रहे हैं। हाँ जी, और देखेंगे और आपको बैल भी शेयर करेंगे। बैल शेयर चलिए, अभी कुछ चीज़ें लेनी है बच्चों की, हरम का दूध ख़त्म है वो लेना है, कुछ रास्ते में खाने के लिए क्या वो लेना है। चलें जी, लेट्स मूव। हेलो, ये बच्चा पार्टी है, ये मूसा है। गाइस आराम आराम वाले ढूंढ लो बच्चा पार्टी, आप सही तो कर बाबा, इधर काली चली ओरिजिनल। ओ हां, हाँ जी जनाब, हम लोगों ने अपना सफ़र का आगाज़ किया और फुल सनी डे था, बहुत मज़े का। और अम्मी जान हमें इंस्ट्रक्शन दे रही थी पीछे से, इस तरह से ना बैठे बच्चे, ये कवर करके बैठे सर। और सर्दी बहुत है, हालांकि उस दिन सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी, और फुल सनी डे था, बहुत मज़ा आ रहा था। हर चीज़ बाहर चमक रही है धूप की वजह से, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को। और ट्रैवलिंग कर रहे थे, बच्चों का शोर था, हर बंदा अपनी बात करने की कोशिश कर रहा था, हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। ये देखें जनाब, बच्चे हाजरा थी, जैनब, उस्वा, अरसल, मरियम, बड़ी आपा, और ये हैं अस्मा आपा। तो जनाब हम लोग और हरम तो बैठी हुई है मेरे साथ मज़े से, कभी आगे कभी पीछे आ रही है, कभी आगे जा रही है, कभी उससे आगे जा रही है, कभी हाजरे के पास जा रही है। सुकून इसको नहीं था, बड़ी एक्टिव थी हरम लाल, बहुत खुश थी, मज़े से हम लोग थे, और साथ अरसल भी था बैठा हुआ। और हम लोग अपने सफ़र की तरफ रवा दवा थे अपने तरफ। हाजरा कहाँ है? हाजरा तो नहीं है, हाजरा बैठी हुई है। तो जनाब ये देखिए बाहर इनका साथ व्यू भी करवाते जाएं आप लोग। हाँ जी, और आप लोग भी देखते जाएं कि किस तरह से बाहर ग्रीनरी थी। अच्छा, ये वो यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है कि हम लोग नहीं गए अपने गांव, तो हम लोग चाइल्डहुड हमारा मेरे दादा दादी के साथ यहीं पर गुजरा, बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को। सर्दियों की या गर्मियों की तो खैर नहीं, सर्दियों की छुट्टियाँ हम लोग कोयटा में होते थे, तो सर्दियों की छुट्टियाँ हमें मिलती थी, तो हम लोग इधर ही आते थे, अपने गांव में टाइम स्पेंड करते थे। और हमने हर वो काम वहाँ पे किया लाइक जैसे गांव में होता है चीज़ें, लेकिन अब गांव टोटली चेंज हो गया है। लाइक जो रेजिडेंशियल एरिया है, हमारी जो ज़मीनें हैं वो बहुत दूर हैं शहर से, तो गांव रेजिडेंस जो है हमारी अब घर बहुत ज़्यादा बन गए हैं, रास्ते छोटे हो गए हैं। पहले रास्ते बहुत बड़े बड़े लगते थे, शायद हम छोटे थे रास्ते बड़े लगते, अब हम बड़े हो गए रास्ते छोटे लगते हैं।
वो गलियां वो चीज़ें अब बहुत छोटी लगती हैं और बिल्कुल चेंज, दिल भी दुखता है कि यार बिल्कुल चेंज हो गया सब कुछ सेटअप। तो आप कभी उन रास्तों पर ज़रूर जाएं जहां पर आपने बचपन गुजारा हो, तो आप हैरान रह जाएंगे, वो गली जिस पर हमें गुजरते हुए काफ़ी टाइम लगता था, अब यार हम लोग शायद बड़े हो गए हैं तो अब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मज़े का टाइम स्पेंड किया अपने गांव में, बिल्कुल सिंपल सिटी वाला था, लाइट उस वक्त इतनी नहीं थी, फिर लाइट भी आ गई थी बाद में लेकिन होती कम थी, मीठा पानी भी इतना मैसर नहीं था, सहूलियात नहीं थी उस टाइम। अब तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ चीज़ें बहुत डेवलप हो गई, बट वो डेवलपमेंट फिर भी नहीं आई जो होनी चाहिए थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बहुत अच्छा गुजरा था। और उस वक्त मस्जिद में ऐलान होता था कि अगर पकोड़े बने हुए हैं तो आके पकोड़े ले जाएं, समोसे बने हुए हैं तो समोसे ले जाएं, सब्ज़ी आ गई है तो जनाब वो भी मस्जिद में ऐलान होता था। तो बड़ा अच्छा टाइम था और बहुत से हमारे घर में जानवर भी होते थे उस वक्त, और मतलब हर चीज़ हम लोगों ने, इवन शहद को भी दरख्त से कैसे नीचे उतारते हैं और वो देखचों में डालना, फिर उसको हम बॉटल्स में फर्दर दादी अम्मा डालती थी तो वो सारा कुछ हम लोग देखते थे, लस्सी कैसे बनती है, घास कैसे काटा जाता है, मशीन में डाला जाता है और कैसे कट किया जाता है, और वहाँ पे वो जो दाने और जो हम पॉपकॉर्न अप करते हैं वो बाकायदा एक और बंदी होती थी जो इस तरह से करती थी। वो सारी जगह, ये देखिए वो गलियाँ हैं जिनमें हमने टाइम गुजारा, बहुत हमारा बचपन इन गलियों में गुजरा। और ये गलियाँ, ये मेरे नाना बच्ची का घर और मेरी दादा अबू का घर बिल्कुल साथ साथ था, छोटा सा, लेकिन मैंने जब देखा तो मेरा दिल बंद होने लगा कि वो टोटली चेंज हो गई है जगह, तो वो जैसे बचपन में थी वैसे बिल्कुल भी नहीं है अब, तो सब कुछ चेंज हो गया, वक्त हालात सब कुछ चेंज कर देता है। तो हम लोग बिल्कुल अब पहुँच गए अपने घर के साथ ही, तो आगे जनाब बैल जो है वो खैर से ज़िबा हुआ हुआ होगा, तो उसमें जो है ना हम लोग आप लोग को दिखाते हैं अभी, थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे थोड़ा सा शायद फ्लड वगैरह है तो वो कोई प्रॉब्लम ना हो वीडियो में, अल्लाह करे। तो यहाँ पे बैल कटा हुआ है, अभी इसको अंदर ले जाएंगे फर्दर मज़ीद कटिंग के लिए। अब हम लोग ये देखें जनाब, ये पहले बहुत बड़ा सीन, सारा घर एक होता था, बड़ी सी हवेली टाइप, फिर ज़ाहिर वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई, तो अब हम अपने उस घर में एंटर हो रहे हैं जहाँ मैंने बहुत वक्त गुजारा अपनी दादी अम्मा के साथ, अपने दादा अब के साथ, रात दिन शाम दोपहर हम लोगों का यहीं पे गुजरा। और हमारी दादी हमारी बहुत टेक केयर करती थी यहाँ पे जब हम आते थे, उस वक्त और हिसाब था, बिल्डिंग और थी। हम लोग पहुंच गए और अंदर रूम में भी गए थे, छुट्टी थी उसमें, तो हम सारे वापस दौड़ के बाहर आ गए। सनी डे है, फुल मज़े का। हम जो है ना गंडेरी खा रहे हैं, तो भाई को भी पील ऑफ कर देती हूँ। तुम मुँह मार रहा है गंडेरी ने, मरियम गंडेरी थे ना, गंडेरी मरियम यार, गंडेरी थे ना गंडेरी, आप गंडेरी थे ना, आउच आउच माय
आओ सर गंडेरी खाओ, चस्का लगाओ ना गंडेरी खाओ। इफ़त उन्हें झोली में गम डाला हुआ है। इफ़त हसने अरसा लाली से जाओ आपा, ये तू आपा वही तू मर से पहले तू आ आप ये खट्टे कौन सा है वो दिखाओ, शॉपर दिखाओ शॉपर। हाँ पापस पापस दिखा वे कितना है, कितना गए वे दिखा, इतने दिखा अब वापस से बनाने के आगे चैलेंज कर रहे हैं बोलना फिर। मम्मा ये देखो हम ये खा के अपना ना रिव्यू दो ठीक है, मजे का आंटी बहुत बहुत मजे का खा रहा है पूरा मुंह से नहीं निकला, टेस्ट करो खाओ ट्राई। पुराना तरीके से हम लोगों ने इस पर किया ताकि हम गोश्त बना रहे हैं, ये उसमें हम करेंगे पुराना तरीका। नीचे बैठो आराम से यार, छोटी सी बेबी नहीं उठाते आप लोग। मुझे बेबी नहीं उठाना, छोड़े मैं उठाऊं। मैं क्या जनाब मजे की चाय के साथ भाप वाली चाय जो आग पे बनाई और उसके बाद हम लोगों ने मिठाई रसगुल्ले गरम करके खाए और बहुत इंजॉय किया खाया पिया। और वो गैदरिंग जो बहुत अरसा नहीं हुई थी, बहुत अरसे से हम नहीं मिले थे। और आपको पता है कि गांव में जब हम लोगों ने अपना डोर ओपन किया हम बैठे हुए थे तो हमें बहुत से लोग वैसे भी मिलने के लिए आ गए जो कि हमें जानते भी नहीं थे, जो सराउंडिंग्स में रहते थे। उन्होंने कहा आज घर का दरवाज़ा खुला हुआ है तो हम मिलने के लिए जाते हैं। मैं 2016 में गई थी अब्बा जी के घर और आज गई हूँ इतने अरसे के बाद। तो अब्बू ने नया सेटअप बनाया हुआ था छोटा मोटा जो अपने रहने के लिए, तो हम लोग वहाँ सब गए